प्रकार मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह जुल करीम की शान में एक छोटी सी मनकबत पेश कर रहा हूँ। तवज्जो तासीर बदल जाती है। बाखुदा जिसकी तस्वीर बदल जाती है और तजुर्बा कई बार हुआ है मुझको शबरोज या अली कहने से तकदीर बदल जाती है। समझ ले आप कि मौलाए कायनात के साहबजादे इमाम हसन, इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे सैयद जैनुल आबेदीन, सैयद जैनुल आबेदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस सलाम, जिनके हम खीर कूंडे खाते हैं 22 रजब को, बेटा रहने जैसे ये जिनका जश्न हो रहा है मदारे पाक मदारुल आलमीन, ये सैयद हुजूर इमाम जाफर अलैहि सलाम के साहबजादे हैं, ये उनकी औलाद है। अब मतलब तवज्जो अली।
कोई शोहरत मांगता, कोई इज्जत, कोई बंगला, कोई मोटर, कोई कार, कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या मांगता है। लेकिन जिनके घरों में बच्चे हैं, जब जब सात मुहर्रम आए, अपने बच्चों को अपने गोद में ले लिया करो। इन चार मिसरों पे तवज्जो कहे खुदा, घर से जब कदम निकले, ऐ खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। और एक बात बता दो, इमाम हुसैन का दरबार, हुजूर गौसे पाक का दरबार, मौलाए कायनात का दरबार, वहां पर ये नहीं पूछते कि तू कौन सी जात का है, हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। बस वो ये पूछते हैं कि बेटा तू अली वाला है कि नहीं। तवज्जो, ऐ खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। और अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, जब भी अब्बास के अलम निकले। करबला में इमाम हुसैन का काफला पहुंचा, सामने लाखों की तादाद, पता नहीं कितने लोग थे, पता नहीं कितने लोग थे।
अल्लाह अकबर। लेकिन जब इमाम हुसैन पहुंचे करबला में, आप एक बात देखें कि नमाजें उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी, है ना, नमाजें उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी, सुन्नत रसूल दाढ़ी उधर भी थी, दाढ़ी इधर भी थी, अमामे उधर भी थे, अमामे इधर भी थे, लेकिन फर्क इतना था कि उधर अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। अब तवज्जो, जब अहले बैत की मोहब्बत न थी तो करबला में इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या अली को, कुर्सी पे अपनी इतना
नहीं बोलना होगा। कुर्सी पे अपनी इतना क्यों इतरा रहा है तू? गिर जाएगी सरकार, हुसैन